हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर में आज आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूं। और इस रेसिपी को हम सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और ये रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। बिल्कुल मार्केट के गुलाब जामुन की तरह नहीं, उससे भी बढ़िया गुलाब जामुन आपके घर पर बनने वाले हैं और ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनेंगे। आप इस रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो गैस ऑन करके एक बर्तन मैंने लिया है और इसमें मैंने डाला है 1 कप चीनी, और चीनी का 1.5 गुना मैंने यहाँ पानी डाला है, यानी कि 1 कप चीनी में मैंने 1 और आधा कप पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर इसमें ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, चाशनी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। हमें सिर्फ थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें 1 तार या 2 तार ऐसी चाशनी नहीं चाहिए। हमें इसमें सिर्फ थोड़े से चिपचिपापन चाशनी में होना चाहिए, वैसी ही चाशनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध और इसको मैंने एक कढ़ाई में डालकर उबलने के लिए रख दिया है, और हाई टेम्परेचर पर हमको इसे 20 मिनट तक पकाना है लगातार चलाते हुए, और इसको हमें गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से आप इसे पकाइएगा और इसकी जो मलाई है इसको आप इसी में मिक्स करते जाइए। तो इस तरीके से आपको इसे पकाना है। 1/2 लीटर दूध से आप बहुत सारे गुलाब जामुन आपके बन जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा दूध है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे पकाने में मुझे 20 मिनट लगे हैं। तो देखिए, ये ठंडा हो चुका है, लगातार चलाते हुए मैंने इसे ठंडा किया है। तो अब कढ़ाई में ही मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें मैदा डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कढ़ाई में ही मैं इसे इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि जो आसपास में हमारा जमा दूध है वो इसमें अच्छे से चिपक कर निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में मिक्स किया है। तो 1/2 चम्मच मैदा मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो मैदा मिलाते वक्त मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच मैदा मिलाया है। आप मैदा मिलाते वक्त ध्यान पे रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मैदा नहीं मिक्स करनी है, नहीं तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही सख्त हो जाएंगे। और यदि आपने बहुत कम मैदा मिलाया तो आपके जो गुलाब जामुन की बॉल्स है वो बनेगी ही नहीं। तो सिर्फ आपको इतना मैदा मिलाना है कि आपके गुलाब जामुन की जो बॉल्स हैं वो अच्छे से बन जाएँ। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैंने घी से हाथ को ग्रीस किया है और इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। इसे इतना मसलना है कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज हो जाए, इसकी जो चिकनाई है ऊपर दिखने लगे, इतना हमें इसे मसल के तैयार करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे तैयार कर लिया है, ये चिकना हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम बॉल्स बनाएंगे। तो इसे मैंने चपटा किया है और अब हम इसमें एक किशमिश की स्टफिंग करेंगे और इसे अच्छे से फोल्ड करके थोड़ा सा दबाव देते हुए गोल बॉल्स बना लेंगे। इसमें कोई भी दरारें या क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, गुलाब जामुन की जो बॉल्स है वो बन चुकी हैं। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करने के लिए पहले हम 1 गुलाब जामुन को फ्राई करके देखेंगे, तो और उसके बाद ही हम सारे गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमने गुलाब जामुनों को इसमें डाल दिया है और इसे हम 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा और तेल के टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। पहले आप तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए जिससे कि तेल का कच्चापन चला जाए, और फिर इसे लो टेम्परेचर पर तेल को लेकर आइए। फिर इसमें गुलाब जामुन डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें गुलाब जामुनों को फ्राई करना है। तो देखिए, हमारे जो गुलाब जामुन है उसमें कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आने लगा है। तो अब हम इसको इसी तरीके से थोड़ा और फ्राई होने देते हैं। जब तक हमारे गुलाब जामुन थोड़े से पक नहीं जाते हैं, आपको इसमें चम्मच या झारा नहीं लगाना है। हमने गुलाब जामुन की बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है, फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, और मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए, अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी जो है वो हमारी हल्की गर्म है, डालकर एक बारी चला देते हैं और 2 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। जितना देर हमारे चाशनी में गुलाब जामुन रहेंगे उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। तो देखिए, कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन है। पहले देखिए, जब हमने इसे डाला था तो ये ऊपर तैर रहे थे और 2 घंटे के बाद ये सतह पर बैठ गए हैं, मतलब कि जो गुलाब जामुन है इन्होंने चाशनी अच्छे से पी ली है, और बहुत ही स्पॉन्जी टेस्टी गुलाब जामुन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी गुलाब जामुन बना है। हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल गोल है, कहीं से भी बैठा हुआ नहीं है, चपटा नहीं है, सख्त नहीं है, और बहुत ही जूसी और स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल मार्केट के गुलाब जामुन की तरह।
और इसकी कहीं से भी पर्क भी नहीं निकल रही है। बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से गुलाब जामुन बनता है और उसका टेस्ट आप खाइएगा और मुझे बताइएगा कि मार्केट के गुलाब जामुन से बिल्कुल भी आपको ये कमतर नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हालांकि जब आप मावे का गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें कई बार टूटने का बिखरने का डर होता है, और यदि आप किसी और चीज़ से गुलाब जामुन ट्राई करते हैं तो टेस्ट का फ़र्क आ जाता है, लेकिन आप यदि इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट के जैसा गुलाब जामुन बना पाएंगे और आपका जो गुलाब जामुन है वो टूटेगा भी नहीं, बिखरेगा भी नहीं और बहुत ही बढ़िया बनेगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो और मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें, अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।